इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम्स रोहिणी के बारे में जो कि अगर हम दिल्ली एनसीआर में कॉलेजेस देखें जो कि एन आई रैंकिंग के अंदर आते हैं ये कॉलेज एन आई रैंकिंग के पैरामीटर में आता है एनआईरैंकिंग में आता है बट ये कॉलेज कैसा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं पूछते हैं इस कॉलेज के बारे में रीजन आई एम ह्योर वीडियो

पीजीडीएम कराता है ये कई सारी स्पेशलाइजेशन में कुछ इंटरनेशनल कलाबरेशन भी हैं दैट इंक्लूड ऑकलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज विच इज इन न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड दैट इज इन यूके

40% आपका एंट्रेंस एग्जाम uh, 20% क्वालिफाइंग यू नो एग्जाम देन पर्सनल इंटरव्यू 25% वेटेज ग्रुप डिस्कशन 15% वेटेज एंड 100% वेटेज कितना इजी है डिफिकल्ट है राइट आपका एंट्रेंस का स्कोर राइट अगर आपका 60 70 है यू कैन गेट इनटू बट आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा कॉम समथिंग व्हिच इज मस्ट एंड डीसेंट एकेडमिक्स होना चाहिए और रिटेल मैनेजमेंट का सिक्सटी का इनटेक है मैट कैट सीमार्ट एटमारी मेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन लेता है अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो फिफ्टी फाइव परसेंट ग्रेजुएशन अगर हम

मतलब ऑलमोस्ट जीडी एंड जीडीएन का 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 वेटेज है. है, का वेटेज है है आप देख सकते हैं और अगर अगर आपने इंटरव्यू परफॉर्म कर लिया तो दे लाइक फेयर चांसेस आपका एंट्रेंस स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है ठीक है अगर हम uh, इनकी की बात करें, तो इट इज लाइक एट नहीं है इन कैट दिस इज ऑल्सो समथिंग वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कई सारे कॉलेज की वेबसाइट पे दे काफ मैंशन हाँ ये हो सकता है कि आप अप्लाई कर लो और आपको जुमूस रोहिणी की जगह जम्स काल, काल जी मिल जाए बट नॉट uh, That kind of a कि आपका मिनिमम इतना होना ही चाहिए इस कॉलेज में पीजीडीएम के लिए तो स्टूडेंट्स कई सारे पूछते हैं बट मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स से भी बात जो यहाँ से बीबीए कर रहे थे them, college, तो उनका यह कहना था रूल रेगुलेशन एंड थोड़ा सा यू नो कॉलेज का जो स्ट्रिकनेस है वो है नहीं है उसकी वजह से देवर लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शन जो स्टूडेंट्स यहाँ से बीबीए कर रहे थे मैंने ऐसे एक नहीं कई सारे स्टूडेंट से बात की है सो दैट इज वन थिंग बिकॉज मैंने जब भी जिम्स रोहिणी का नाम सुना है मैंने अच्छा ही नाम सुना है बिकॉज़ हैव अ गुड ब्रांड वैल्यू स्टूडेंट्स भी जानते हैं right? राइट एम आर एफ रैंकिंग में भी आता है बट जब स्टूडेंट से बात की तो थोड़ा सा यू नो क्लियरिटी थोड़ी अलग लेवल की है क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ कॉलेज का ब्रांड वैल्यू तो ठीक है बट वेन इट कम्स टू दी यू नो रूल्स एंड रेगुलेशन वो उतने वैसे नहीं है Wise, अगर अगर की की बात बात करें करें हम 6.5 का एवरेज पैकेज है हाईएस्ट जो है थर्टीन लाख ,00 का है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है 16 लाख ,00 का 90% परसेंट प्लेसमेंट या 100% परसेंट एज पर स्टूडेंट का कहना है that is 85 -90 का प्लेसमेंट है कॉलेज का एवरेज पैकेजेस की बात करें 6.5 पॉइंट फाइव कॉलेज क्लेम कर रहा है बट कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की तो उनका यह कहना था .5 की कंपनीज भी है, 5 ,000 ,000 की भी हैं की कंपनीज आती हैं तो ये सारे एवरेज पैकेजेस हैं प्रोफाइल डिसेंट आती हैं आई कैनोट से दैट यू नो ऑलमोस्ट सारी प्रोफाइल सेल्स की हैं कुछ अच्छी कंपनीज आती हैं कंपनीज अगर हम बात करें तो यू नो आर यू टॉक अबाउट बैंकूज एच डी एफ सी आईसीआईसी यू टॉक अबाउट ऑल दीज कंपनीज कम बट एवरेज पैकेज विल बी अ थिंग अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें वन नाइन एट कंपनी ट्वेंटी राइट और अगर हम ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें तो वन नाइन टू फिफ्टी स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं एज पर कॉलेज यू नो इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंटर्नशिप की अगर हम बात करें राइट right? तो हाईएस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का था वन टेन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था और टू फिफ्टी एट स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे

Again, you know, but आप ये देख रहे तो अपनी स्पेशलाइजेशन क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ साढ़े चार पांच लाख का पैकेज है say, अगर हम में बोलें कि हमें साढ़े पांच लाख का एवरेज पैकेज है तो हो सकता है फिनेंस में वो एवरेज पैकेज यू नो कैन बी ऑफ इवन फोर लाख ऑल्सो राइट और अगर हम लेखे तो हो सकता है कि यू you नो know, वो साढ़े पांच लाख का भी हो तो ये कहीं ना कहीं वेरी करेगा प्रोफाइल टू प्रोफाइल और उसका डिसीजन एक

द लिटरली सोसाइटी है कल्चरल क्लब है पेट्रियॉटिक क्लब है टेक टेकबेक क्लब है कल्चरल क्लब है हेल्थ सीरीज क्लब है ये सारे क्लब हैं जो कॉलेज के अंदर ऑपरेट होते हैं राइट सो दिस वॉज वीडियो ऑन जिम्स रोहिणी राइट एवरेज पैकेज जो कॉलेज बोल रहा है उसमें से थोड़ा सा वेरिएशन है बाकी इट्स ऑल एंड ऑल अ डिसेंट ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर स्टूडेंट्स हु स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर कॉलेजेस बिटवीन जिम्स रोहिनी एंड कालका जी इन जिम्स रोहिणी राइट बट कई सारी और कॉलेजेस जो आपकी लिस्ट में हो सकते हैं जो इससे बेहतर हो उसके लिए अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं सोन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आई होप यू लाइक दिस वीडियो सच वीडियो की